You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साफ सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ रहे हैं। पीएन जंक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ द जंक्शन। अब इसका मतलब समझिएगा आप। सबसे पहले हम लेते हैं अनबायस्ड कंडीशन, जब कोई बायसिंग हमने नहीं की है। जब कोई बायसिंग हमने नहीं की होती है तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिप्लीशन लेयर रहती है। अब हम हर जगह पूरे कैरियर्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो डिप्लीशन लेयर का है वो भर हम फिल कर देते हैं कि ये डिप्लीशन लेयर अनबायस्ड की कंडीशन में है। ये अनबायस्ड की कंडीशन में हमारी हो गई डिप्लीशन लेयर। हमने क्या किया, कोई बायसिंग कनेक्ट नहीं की है। उस केस में अगर हम कैरियर का कंसंट्रेशन देखें, ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया, तो कैरियर की अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए, ये तो हो जाएगी डिप्लीशन लेयर। यहां पे तो इस डिप्लीशन लेयर में तो कौन से कैरियर्स होंगे, इमोबाइल कैरियर्स जो कि मूव नहीं कर सकते। लेकिन इस डिप्लीशन लेयर के बाहर की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे यहां भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर होंगे और यहां भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर। दोनों सेम लेवल पे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हो सकता है किसी में ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर हो, किसी में कम माइनॉरिटी कैरियर हो। सकता है इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो, या इसमें ज्यादा हो, इसमें कम। तो हमने अभी यह अज्यूम किया कि इसमें माइनॉरिटी कैरियर मान लीजिए कि ज्यादा है। सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर के कंसेंट्रेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पी एन। एन क्या बोला, टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, पी का मतलब है होल्स। तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर को इंडिकेट किया है। देखिए, मेजोरिटी कैरियर तो होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ तो होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स में होल्स। सिमिलरली यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स में तो होंगे होल्स, लेकिन कुछ तो होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बोले कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जितना जनरेशन हो रहा हो उतना ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा हो, उस केस में तो हम क्या बोल देते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम नॉट से डिनोट कर देते हैं, एनपी नॉट, पी एन नॉट। मतलब नॉट जो है, जो डॉट ये बबल बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का, मतलब कांस्टेंट कैरियर, ना इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, ये किसके लिए हो गया कैरियर कंसंट्रेशन, अनबायस की कंडीशन। अब हम इसी में बायसिंग करते हैं, देखिएगा क्या होता है। अगर हमने कर दी फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायस करने पे हमें पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मतलब एन टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन गए और किस साइड आएंगे, मेजोरिटी कैरियर, इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन किस की तरफ मूव करेंगे, पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा कि देखिए अच्छे से, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी कैरियर। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। जब हम सप्लाई लगाएंगे तो इधर से ये रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके एन के जो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आएंगे, पी की तरफ। तो जब पी की तरफ आएंगे तो एक तो ये होगा कि डिप्लीशन विड्थ कम होगी बायसिंग लगाने पे। क्यों कम होती है, ये प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब आपकी डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिप्लीशन विड्थ कम होने के साथ साथ एक और काम क्या हो रहा है, वो ये काम हो रहा है कि यहां से कैरियर्स कहां की तरफ जा रहे हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पी टाइप की तरफ। तो एन में तो इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी कैरियर, पी में पहुंच के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी, क्योंकि पी में तो होल्स होते हैं ना मेजोरिटी। तो एज के पास में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सिमिलरली जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गए, वैसे ही
इधर पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को क्या करेगा, रिपल, तो इधर से इधर क्या जाएंगे, होल्स। वैसे बोला ये जाता है कि होल्स मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जैसे होल्स मूव कर रहा है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए बैलेंस बैंड में चार इतने सारे होल्स हैं और इन दो में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अभी हमें ये है, मान लीजिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने सारे होल्स हैं, होल के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। अब अगर हम कुछ ऐसी सप्लाई कनेक्ट करें कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखिए ये जो मोबाइल कैरियर है ये रहते हैं कंडक्शन बैंड में, और होल्स जो रहते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड में, होल्स कहाँ रहते हैं, बैलेंस बैंड में। तो बैलेंस बैंड में जो होल्स होंगे, कुछ होल्स ऐसे भी होंगे ना जिनमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो जब हम ये सप्लाई लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर यही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर यही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर यही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। सिमिलरली सारे इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ मूव करते जाएंगे, इधर की तरफ, तो यहां इलेक्ट्रॉन खत्म होते जाएंगे। उधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर को आएंगे तो हमें कैसे लगेगा कि जैसे कि होल्स यहां से वहां जा रहे हैं, मतलब होल्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि होल्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअली होल्स का जब भी बोला जाए कि होल्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में एक होल से दूसरे होल में जंप कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे होल्स मूव कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 10 कमरे हैं, 3 कमरों में स्टूडेंट हैं, और वो स्टूडेंट अगर मूव करने लगे एक कमरे से दूसरे में, दूसरे कमरे से तीसरे में, तो स्टूडेंट तो मूव कर ही रहे, आपको ऐसे लगेगा जैसे खाली कमरा पहले उस कॉर्नर पे था, अब खाली कमरा यहाँ आ गया, अब खाली कमरा यहाँ आ गया। तो उसे हम रिलेटिव मोशन में ये भी बोल सकते हैं कि भैया खाली कमरा मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कि जब होल्स मूव करने की बात करते हैं तो एक्चुअली होते तो इलेक्ट्रॉन ही मूव है, लेकिन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस बैंड में हो, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। तो ध्यान रखना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वैसे ही इधर से होल्स कहाँ पहुंच रहे हैं, उधर, यानी कि इसके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ कंडक्शन बैंड में होल्स जनरेट हो रहे हैं, एक ही बात है। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ के मेजोरिटी कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आके माइनॉरिटी कैरियर बन गए, सिमिलरली यहाँ के मेजोरिटी कैरियर यानी कि होल्स इधर जाके क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर, तो यहाँ पे एज के पास में कैरियर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ स्लोप बन जाता है, किसका स्लोप बन जाता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का स्लोप बन जाता है। तो अब आप जो देखोगे वो आप क्या देख रहे हो कि एज पर, इस एज पर देखिए, अगर हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये माइनॉरिटी कैरियर थे P में, ये माइनॉरिटी कैरियर थे N में, लेकिन एज पे थोड़ा सा हमने क्या देखा कि माइनॉरिटी कैरियर बढ़ गए हैं। तो हमें वही पता करना है कि पीएन जंक्शन की डिप्लीशन रीजन जो है उसकी एज पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कितने होते हैं। ये थर्मल इक्विलिब्रियम से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन कितने होते हैं यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं इसी को। अगर हम बिल्ट इन पोटेंशियल की बात करें, आपको अगर याद हो तो बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल हमने देखा था कितना होता था, Vt ln, यहां हम लिखते थे NaND/Ni2, लेकिन हमें पता है कि ये NaND क्या थे, हमने मेजोरिटी कैरियर को अप्रोक्सीमेटली डोपिंग कंसेंट्रेशन के इक्वल रख दिया था, तो हम उसकी जगह अब वही का वही रखेंगे। क्या था यहां पे, मेजोरिटी कैरियर मतलब Na मतलब PP, Na क्या था, मेजोरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, होल्स, और ND क्या था, N टाइप में मेजोरिटी कैरियर, तो ये हो जाएगा NN। तो ये हमने बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, VVI = VT ln NaND/Ni2, इसको हमने इस टाइप से लिख लिया। अब जरा अच्छे से समझिएगा, यहां से क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, VVI/VT = ln PPNN/Ni2। सिमिलरली अगर हम ln को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा e^(VBI/VT) = PPNN/Ni2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल आई है आपके सामने। कैसे इंपॉर्टेंट चीज निकली है ये देखिएगा जरा, किसी भी सेमीकंडक्टर में
मास एक्शन लॉ हमने पढ़ा है कि मेजोरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इनटू माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। मतलब अगर हम पी रीजन की बात करें तो मेजोरिटी कैरियर पीपी माइनॉरिटी कैरियर एनपी दैट इज इक्वल टू होता है एनआई स्क्वायर। तो एनपी इज इक्वल टू हो जाएगा एनआई स्क्वायर अपॉन पीपी। सिमिलरली अगर हम एन रीजन की बात करें तो मेजोरिटी कैरियर एनएन माइनॉरिटी कैरियर पीएन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एनआई स्क्वायर। यहां से माइनॉरिटी कैरियर की अगर हम बात कर लें तो माइनॉरिटी कैरियर इज इक्वल टू हो जाएगा एनआई स्क्वायर अपॉन एनएन। ये हमें मिला। अब जरा इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और देखते हैं क्या देखेंगे हम कि e टू दी पावर vvi अपॉन vt इज इक्वल टू, अगर हम बात करें pp अपॉन ni स्क्वायर, तो देखिए जरा ni स्क्वायर अपॉन pp क्या था, माइनॉरिटी कैरियर इन p रीजन। अब ये pp nn np pn इनका मतलब आपको समझना होगा, अगर सेम चीज लिखी है तो मेजोरिटी कैरियर, जैसे लिखा pp तो होल्स इन p टाइप तो क्या कहलाएंगे मेजोरिटी कैरियर, pn तो होल्स इन एन टाइप, एन टाइप में होल्स क्या होंगे माइनॉरिटी कैरियर। तो नाम समझिएगा यहां एन आई स्क्वायर अपॉन पीपी इज इक्वल टू है एनपी, तो पीपी अपॉन एन आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो तो वन अपॉन एनपी, मतलब इसी फॉर्मूले में हम ये एन एन तो लिखा ही रहेगा डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे एनपी, मतलब इसकी जगह हमने वन अपॉन एनपी लिख लिया। तो यहां से हम देखेंगे अगर np यहां पे आ जाए तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा nn, और इसको भी इस साइड ले जाएं तो e टू दी पावर नेगेटिव हो जाएगा vvi अपॉन vt। यहां एक वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गई है जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए यहां पे ये क्या है, जब दो अलग अलग चीजें हो तो माइनॉरिटी कैरियर है, इतना ध्यान दिया करो। कौन से सेमीकंडक्टर में जो नीचे लिखा, तो ये NP है मतलब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है किसमें P टाइप सेमीकंडक्टर में, और P टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। NN सेम चीज तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है कौन से सेमीकंडक्टर में N टाइप सेमीकंडक्टर। क्या चीज सीखे हम ये सीखे कि अगर एक साइड का मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता हो तो दूसरे साइड का माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हम पता कर सकते हैं। सोचिए अभी तक हमें क्या था कि जिस साइड अगर पी टाइप का हमें मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता हो और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता हो तो हम पी ही रीजन के माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता कर लेते थे, कैसे मास एक्शन लॉ से, क्योंकि पी पी इंटू एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यहां उल्टा हो रहा है, किसी दूसरे रीजन के मेजॉरिटी कैरियर एन रीजन के मेजॉरिटी कैरियर पता है, बिल्ट इन पोटेंशियल पता है, थर्मल वोल्टेज पता है, तो हम पी रीजन के माइनॉरिटी कैरियर पता कर सकते हैं। उल्टा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। एक रीजन के मेजॉरिटी कैरियर पता होने से दूसरे रीजन के माइनॉरिटी कैरियर हम पता कर लेते हैं, और कई बार हमें पता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो लगभग डोपिंग कंसेंट्रेशन के इक्वल होते हैं, और एन रीजन में डोपिंग क्या होती है एनडी, तो इसी को ऐसे भी कई किताबों में लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पीएन जंक्शन में एन रीजन में डोपिंग कंसंट्रेशन है 10 टू दी पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, मान लीजिए उसने दे दिया है 10 टू दी पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इस पे तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं माइनॉरिटी, ये जो हमने लिखे हुए हैं एनपीपीएल, ये इनमें डॉट ऑटोमेटिकली लगा है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये सारी चीजें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, हमने डॉट अभी लगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम बायसिंग की बात ही नहीं कर रहे, जब बायसिंग की बात करेंगे तो यहां कुछ और आएंगे, यहां कुछ और आएंगे, तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम वाले पे डॉट लगा देंगे, अभी हमने नहीं लगाया है क्योंकि लेंथी हो जाएगा लिखना, इसलिए सिंपल लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको एन रीजन का डोपिंग कंसेंट्रेशन गिवन है और बिल्ट इन पोटेंशियल गिवन है 0.6 वोल्ट और आपको थर्मल वोल्टेज गिवन है 25 मिलीवोल्ट, और आपसे पूछ लिया कि ये सब तो एन रीजन का गिवन है आपको, ये एनडी क्या है मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन किसका गिवन है डोपिंग कंसंट्रेशन एन रीजन का, आपसे पूछ लिया पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बताओ, आपका दिमाग चकरा जाएगा, मास एक्शन लॉ तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मास एक्शन लॉ किसमें काम आता है जब उसी रीजन का मेजॉरिटी कैरियर हो उसी रीजन का माइनॉरिटी कैरियर होता, यहां तो उल्टा है, दूसरे रीजन का मेजॉरिटी कैरियर गिवन है एन का
और P का माइनॉरिटी कैरियर पूछ लिए तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो आपको P रीजन का माइनॉरिटी कैरियर मिल जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन। अब सिमिलरली देखिए इसी फॉर्मूले से यहीं पे हम इस पे डॉट डॉट लगाते हैं। देखिए एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन, एन एन क्या है, एन रीजन में मेजोरिटी कैरियर। एन आई स्क्वायर एन एन अपॉन एन एन था पी एन, मतलब एन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर होल्स। यहां देखिए एन एन अपॉन एन आई स्क्वायर, यहां क्या है एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन, तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन इज इक्वल टू पी एन है, तो उल्टा अगर करेंगे एन एन अपॉन एन आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन अपॉन पी एन। तो यहीं से देखिए वी वी आई अपॉन वी टी, यहां अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो लास्ट में हम ट्रिक बता देंगे आपको, ये सब दिमाग नहीं लगाना है, एन एन पी एन सीधा ट्रिक डायरेक्ट देखिएगा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ऊपर आ जाएगा पी पी और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे देखिए क्या आ जाएगा पी एन। तो यहां से पी एन को इधर ले आओ तो पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी पी इंटू ई टू दी पावर माइनस वी वी आई अपॉन वी टी। मतलब अगर हमें ये देखिए एन रीजन के माइनॉरिटी कैरियर निकालना है तो पी रीजन के मेजोरिटी कैरियर पता हो, बिल्टन पोटेंशियल पता हो, थर्मल वोल्टेज पता हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको पीपी को क्या लिख सकते हैं, डोपिंग कंसेंट्रेशन इन पी रीजन ई टू दी पावर माइनस वी आई अपॉन वी टी। अब आपसे बोला जाए इतना सारा दिमाग में कैसे रखना है, तो हम ट्रिक बताते हैं आपको, इन सबको समझने की एक ट्रिक बताते हैं। देखिएगा बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान। अभी हम अनबायस की बात कर रहे हैं, ये जो हमने कंसेंट्रेशन बनाया है ये काय के लिए बनाया है, ये तो फॉरवर्ड बायस का बना दिया, इससे पहले जो अनबायस की कंडीशन थी उसके लिए है ये पूरी कैलकुलेशन। ये तो किसके लिए हो गया है, फॉरवर्ड बायस का बन चुका है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको कैरियर कंसेंट्रेशन का ये फॉरवर्ड बायस का है। मैं अभी अनबायस की कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपसे पूछूं कि अगर एक साइड के मेजोरिटी कैरियर पता है, बिल्टन पोटेंशियल पता है तो कैसे आप माइनॉरिटी कैरियर कैलकुलेट करोगे, तो बहुत आसान है, एक ट्रिक बता रहे हैं। आप ये ध्यान रखो कि किसी एक रीजन के माइनॉरिटी कैरियर इज इक्वल टू दूसरे रीजन के मेजोरिटी कैरियर, e टू दी पावर इतना तो याद रख सकते हो कि बिल्टन पोटेंशियल अपॉन वी टी इसका यूज करना है, किस साइड की वैल्यू ज्यादा होगी, मेजोरिटी ज्यादा होता है माइनॉरिटी कम होते हैं, तो मेजोरिटी में अगर एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें, एक से छोटी, तो ये e टू दी पावर अगर इतना लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी में क्या लगा दो माइनस साइन। अगर e टू दी पावर पॉजिटिव लेंगे तो एक से बड़ी वैल्यू आएगी ना, और e टू दी पावर नेगेटिव लेंगे तो एक से छोटी आएगी, तो जब एक से छोटी वैल्यू मेजोरिटी में मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा हमें माइनॉरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस वी वी आई अपॉन वी टी, मतलब इतनी जो मेहनत की वो सब भूल जाओ, बस ध्यान ये रखो कि माइनॉरिटी कैरियर जिस रीजन का होगा मेजोरिटी कैरियर दूसरे किसी रीजन का होगा, तो आप सब भी भूल जाओगे यार, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख लोगे। अगर आपने लिखा एन पी इज इक्वल टू एन पी, क्या हुआ दोनों अलग अलग है तो कंफर्म है माइनॉरिटी कैरियर किस रीजन का है, पी रीजन का। तो अगर पी रीजन का माइनॉरिटी कैरियर निकालना है तो एन रीजन का क्या होना चाहिए, मेजोरिटी कैरियर, और मेजोरिटी कैरियर में सेम लिखते हैं तो एन एन ई टू दी पावर, अब ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में एक से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई, मतलब माइनस वी वी आई अपॉन वी टी, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना सा फॉर्मूला तो हम याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने बोला पी एन, तो आप बोल दोगे पी एन है माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, किस रीजन का, एन रीजन का, तो मेजोरिटी कैरियर किस रीजन का चाहिए, पी रीजन का, तो पी पी इंटू ई टू दी पावर माइनस वी वी आई अपॉन वी टी। अब हमें नहीं लगता कि ये कभी गलत करोगे, साथ ही साथ ध्यान रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो सभी में क्या लगा दो डॉट, अभी तक हम डॉट इसलिए नहीं लगा रहे थे कि बहुत बार लिखना था तो बार बार एक एक्स्ट्रा डॉट लगाना पड़ता, फाइनली हमने लिख दिया कि ये अनवाइज की कंडीशन में माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन किसमें, पी रीजन में, ये अनवाइज की कंडीशन में माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एन रीजन में, मतलब जो एन पी नॉट और पी एन नॉट थे ना, जो ये वाले, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते। अब अगर आपसे बोले कि फॉरवर्ड बायस में V ऑफ F हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, फॉरवर्ड बायस जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एज पे कैरियर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे कैरियर का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे भी कैरियर का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है।
आपको पता होगा हमने प्रीवियस वीडियो में बायसिंग पढ़ाई थी, बायसिंग में बताया था कि जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं ना तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जहां बिल्ट इन पोटेंशियल है ना वीवीआई उसकी जगह वीवीआई माइनस वी ऑफ एफ लिख देते हैं। जब हम रिवर्स वाइज लगाते हैं ना तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, वीवीआई प्लस वी ऑफ आर और उसका मॉड लिख देते हैं, बस इतना भर याद रखते हैं। तो यहां पे अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें और हम यहां पे कैरियर निकालना चाहें, इन कैरियर्स को अगर हम बोल दें पीएन, सॉरी यहां पे जो कैरियर्स हैं अगर हम इसका नाम ले लें एन पी माइनस एक्सपी, क्यों माइनस एक्सपी, क्योंकि अगर ये जीरो डिस्टेंस है तो ये कौन सी डिस्टेंस है, माइनस एक्सपी, मतलब इस एज पर किसमें पी रीजन की डिप्लीशन विड्थ की एज पर जो माइनॉरिटी कैरियर है एन पी, क्या है एन और पी दोनों डिफरेंट है तो कंफर्म माइनॉरिटी कैरियर है। पी डिनोट कर रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन डिनोट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। माइनस एक्सपी लिखा है मतलब किस पॉइंट पे, एज पे, एज की बात कर रहे हैं। चलिए तो एज पे अब हमें अगर माइनॉरिटी कैरियर कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली बिल्ट इन पोटेंशियल की जगह क्या पुट कर देना है, वीवीआई माइनस वी ऑफ एफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो अब इसी फॉर्मूला में अगर हम एन पी नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एन पी इज इक्वल टू, ये तो यही का यही रहेगा एन एन नॉट, मेजोरिटी कैरियर्स पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ये कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर का, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर इधर से इधर आ रहा है तो यहां माइनॉरिटी कैरियर वो यहां पे आके क्या बन जा रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर। और ये जो कर्व हमने बनाया है ये किसके लिए बनाया है, माइनॉरिटी कैरियर के लिए। अब कोई सोचे भैया मेजोरिटी कैरियर भी तो कम हुए होंगे, तो आप एक लॉजिक लगाना जरा, कहीं पे 10 करोड़ मेजोरिटी कैरियर है, 10 करोड़, और माइनॉरिटी कैरियर हैं हमारे पास 100। अब 10 करोड़ में से अगर दो भी इधर आ जाते हैं तो ये तो 102 हमें दिखाई देंगे ना, 10 करोड़ में से दो को माइनस करोगे तो क्या रहेगा, लगभग 10 करोड़ ही लिखेंगे ना हम अप्रोक्सीमेट, इसलिए मेजोरिटी कैरियर में लगभग कोई कमी नहीं आएगी, वो जैसे थे वही के वही रहेंगे। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर तो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो एज पे एन पी किस पॉइंट पे, माइनस एक्सपी, मतलब पी रीजन की एज पे कितना हो जाएगा, मेजोरिटी कैरियर तो वही का वही रहेगा अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा चेंज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई टू दी पावर माइनस वीवीआई की जगह लिखना है वीवीआई माइनस वी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई वी टी, इसको अगर हम लिखें तो एन एन नॉट ई टू दी पावर माइनस वीवीआई अपॉन वी टी इन टू e to the power माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v of f upon vt। अब जरा आप देखिए अच्छे से देखिए तो ये क्या है, ये देखिए यही चीज है जो ये आ गई, और ये जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो माइनॉरिटी कैरियर थे उनके बराबर आ चुका है। थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो माइनॉरिटी कैरियर की वैल्यू थी वही ये है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अब हम एन पी माइनस एक्स पी दैट इज इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा एन पी नॉट ई टू दी पावर वी ऑफ एफ अपॉन वी टी। अब यहां पे भी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम पे कितने कैरियर थे एन पी नॉट, लेकिन फॉरवर्ड बायस लगाने पे यहां पे कैरियर बढ़े हैं ना, तो जब देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम पे एन पी नॉट है बड़े हैं तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, किसके कारण बढ़े, फॉरवर्ड बायस लगाने के कारण, तो वी ऑफ एफ अपॉन वी टी, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर हम बिना सॉल्व किए इस एज पे माइनॉरिटी कैरियर निकालना चाहते हैं, इस एज पे माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे पी एन, और ये एज कौन सी है एक्स एन, यहां पे जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो एन रीजन में क्या होती है एक्स एन, तो पी एन किस पॉइंट पर एक्स एन पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें सिंपल सी बात है, जैसे यहां पे जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे कैरियर थे उसमें ई टू दी पावर किया, ऐसे ही इस रीजन में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे कितने कैरियर थे पी एन नॉट इन टू ई टू दी पावर वी ऑफ अपॉन वी टी, ये आ गया किस पे एज पे माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन। बहुत आसान होता है एज पे माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन निकालना। अब गलती से अगर ये सब मिट गया तो हम आपको सीधा सीधा ट्रिक बताते हैं, सॉरी
ट्रिक बताते हैं कैसे, ट्रिक से हम याद करो, एक की तो हम ट्रिक बता ही चुके हैं। देखिए सिंपली अगर हमने लिखा एन पी नॉट, मतलब नॉट का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हमें पता करना है किस पे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे, किस रीजन में है, पी रीजन में। तो पी रीजन के जब हम माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता करते हैं तो हमें पता है किसकी सहायता से आते हैं, एन रीजन के मेजोरिटी कैरियर की सहायता से। तो P रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वही N रीजन में मेजोरिटी कैरियर होते हैं, क्योंकि N रीजन में मेजोरिटी कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो P रीजन में माइनॉरिटी कैरियर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। P रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर। अब मेजोरिटी कैरियर तो बहुत ज्यादा होते हैं तो इसमें ई टू दी पावर क्या होगा, नेगेटिव। यहां अनबायस की कंडीशन ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम, तो किसके कारण होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल के कारण। तो ये एक फॉर्मूला तो हमने आपको अब भी बताया था। दूसरा अगर हम लिख दें पी एन नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो आप बोलोगे ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है एन रीजन में, तो कंफर्म है कि पी रीजन के मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की सहायता से आएगा। और चूंकि ये मेजोरिटी है तो मेजोरिटी में क्या करना पड़ेगा हमें, छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई, इसीलिए ई टू दी पावर नेगेटिव, जिससे एक से छोटी वैल्यू हो जाए मल्टीप्लाई होगा, मेजोरिटी कैरियर में एक से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिल जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। तो ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे माइनॉरिटी कैरियर किन की सहायता से, मेजॉरिटी कैरियर की सहायता से अगर पूछे जाए तो हम निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में एट द एज ऑफ द जंक्शन, जंक्शन की, या एट द एज ऑफ द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के अंदर तो कोई कैरियर होंगे नहीं, मोबाइल कैरियर, उसके अंदर तो इमोबाइल आयन होते हैं जो कि मूव नहीं करते। तो जंक्शन के जस्ट एज पे, डिप्लीशन लेयर के जस्ट एज पे जो माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर का कर्व इसलिए नहीं बनाते हैं, हमने अभी बताया था एग्जांपल के 10 करोड़ में से 2-4 माइनस हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 100 में अगर 2 जुड़ जाए तो फर्क पड़ता है। तो माइनॉरिटी कैरियर के कर्व की बात करें तो हमें इतना पता है कि फॉरवर्ड बायस लगाने पे एज पे कैरियर बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम पी रीजन में, पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, एन, तो एन पी किस वैल्यू पर, माइनस एक्स पी, माइनस एक्स पी क्या है, डिप्लीशन रीजन की, पी रीजन में बेल्ट की जो एज है वो। इस पर अगर हम बोले कि माइनॉरिटी कैरियर बताओ तो आपको पता है कि ये माइनॉरिटी, देखिए ये माइनॉरिटी कैरियर निकलते हैं मेजॉरिटी कैरियर की सहायता से, कौन से माइनॉरिटी कैरियर, थर्मल इक्विलिब्रियम वाले, अनबायस वाले, अनबायस कंडीशन में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर की सहायता से निकाल सकते हो। कैसे, दो तरीके से, या तो आप ये वाले फॉर्मूले से या मास एक्शन लॉ से, लेकिन मास एक्शन लॉ से तब निकलेंगे जब जिसके माइनॉरिटी कैरियर निकालना हो उसी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर पता हो, लेकिन इस फॉर्मूले से तब निकलेंगे कि भैया माइनॉरिटी कैरियर निकालना आपको पी रीजन के और मेजॉरिटी कैरियर पता है एन रीजन के, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कर दिया कितना, वी ऑफ एफ। अब आपसे बोले कि उस एज पे माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, तो आपको याद होगा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उससे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, हमने कर्व देखा था कि यहां पे कर्व कुछ ऐसा था, ये थे थर्मल इक्विलिब्रियम लेकिन इससे थोड़ा बढ़ गए थे, सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम लेकिन इससे कुछ बढ़ गए थे, मतलब एज पे फॉरवर्ड बायस लगाने पे माइनॉरिटी कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम बोलें कि पहले माइनॉरिटी कैरियर थे थर्मल इक्विलिब्रियम में एनपी नॉट, तो अब क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो बढ़ेंगे तो ई टू दी पावर पॉजिटिव, ये कंफर्म है, और ई टू दी पावर पॉजिटिव किसके कारण बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के कारण। तो बस इतना ही तो करना है, वी ऑफ एफ अपॉन वी टी, एक में वी बी आई अपॉन वी टी, एक में वी ऑफ एफ अपॉन वी टी, बस इतना भर याद रखना है। तो ये देखिए आ गए हैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ द डिप्लीशन लेयर। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे पीएन, मतलब एन रीजन की एज, डिप्लीशन लेयर की एज पे, एन रीजन में डिप्लीशन लेयर की एज पे माइनॉरिटी कैरियर यानी कि होल्स बताइए, तो एक्स ऑफ एन होगी डिस्टेंस, उस साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसलिए यहां माइनस लगाया, यहां पॉजिटिव। तो आप बोलोगे कि अनबायस के केस में एन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर क्या थे, तो आप बोलोगे पी एन नॉट। फॉरवर्ड बायस लगाने पे नॉर्मल सी बात है माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए क्या लिखोगे, e टू दी पावर v ऑफ f अपॉन vt। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा।
पहले इससे रिलेटेड तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने बता दिया कि भैया एक रीजन में वो डोपिंग कंसंट्रेशन दे देंगे जो कि मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल दे देंगे, थर्मल वोल्टेज दे देंगे, और दूसरे रीजन के माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पूछ लेंगे, तो समझ जाना ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हम आपसे बोलें कि हमने डोपिंग कंसंट्रेशन दे दिया एन रीजन का, डोपिंग कंसंट्रेशन ये गिवन है आपको, ठीक है, साथ ही साथ आपको बिल्ट इन पोटेंशियल भी गिवन है, साथ ही साथ आपको थर्मल वोल्टेज भी गिवन है, ये सब एन रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन, बिल्ट इन पोटेंशियल गिवन है, थर्मल वोल्टेज गिवन है। आपसे पूछा गया है कि पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये वैल्यू निकाल के बताइए आप, जबकि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी ऑफ एफ अप्लाई किया जाए तो एज पे कितने कैरियर होंगे। तो आप सबसे पहले देखिए कि जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया जाता है तो एज पे कैरियर निकालने के लिए हमें पहले उस रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए जो कि अनबायस के केस में थे। अनबायस के केस में कितने माइनॉरिटी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अनबायस के केस में कितने माइनॉरिटी कैरियर थे। तो अनबायस के केस में माइनॉरिटी कैरियर हमें किस रीजन में निकालना है, पी रीजन में, लेकिन ये जानकारी तो हमें एन रीजन की दी है, डोपिंग किसकी दी है, एन रीजन की। तो सबसे पहले ये जो एन रीजन की डोपिंग दी है ये एक्चुअली क्या दिया है, एन एन नॉट। तो देखिए एन एन नॉट आपको गिवन है, बिल्ट इन पोटेंशियल गिवन है, थर्मल वोल्टेज गिवन है, यहां वैल्यू पुट करके आप पहले क्या निकालोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकालोगे अनबायस पे, ये अनबायस के केस में इन तीनों की सहायता से पहले ये निकालोगे, और फिर आप क्या करोगे, इस एनपी नॉट की वैल्यू पुट करोगे यहां और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वैल्यू पुट करोगे यहां और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू पुट करोगे यहां, तो आपको क्या मिल जाएगा, एज पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा एक नई चीज जो कि मास एक्शन लॉ से अलग है। मास एक्शन लॉ में क्या होता है, जिस रीजन में मेजोरिटी कैरियर पता हो उसी रीजन के माइनॉरिटी कैरियर हम पता कर सकते हैं, या जिस रीजन के माइनॉरिटी कैरियर पता हो उसी रीजन के मेजोरिटी कैरियर पता कर सकते हैं। एक नया फॉर्मूला सीखा हमने जिसमें अगर हम दूसरे रीजन के मेजोरिटी कैरियर हमें पता है तो दूसरे किसी, मान लो एक रीजन के मेजोरिटी कैरियर पता है तो दूसरे रीजन के माइनॉरिटी कैरियर पता कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी ट्रू है। मान लो किसी रीजन के माइनॉरिटी कैरियर पता है और ये वैल्यूज पता है तो हम दूसरे रीजन के मेजोरिटी कैरियर पता कर सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एक रीजन के माइनॉरिटी कैरियर और दूसरे रीजन के मेजोरिटी कैरियर में रिलेशन बताता है, जबकि मास एक्शन लॉ क्या है, उसी रीजन के माइनॉरिटी कैरियर और उसी रीजन के मेजोरिटी कैरियर में रिलेशन बताता है। तो ये एक नई चीज हमने ये सीखी, ये अनबायस कंडीशन के लिए है ये दोनों फॉर्मूला। दूसरा हमने सीखा कि फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पे एज पे माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो बहुत आसान है ट्रिक कि पहले जितने थे उसमें कुछ बढ़ रहे हैं तो ई टू दी पावर करो, किसके कारण बढ़ रहा है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के कारण, तो वी ऑफ एफ अपॉन वी टी, बहुत आसान है। तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ाने पे एज पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, जिस तरीके से फॉरवर्ड बायस में बढ़ता है सिमिलरली रिवर्स बायस में जब हम देखेंगे तो एज पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कम होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इन फॉर्मूला से आप सो बहुत आसानी से बन जाएंगे। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, एवं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।